अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, हमारी रेसिपीज आप तक पहुंच रही हैं वक्तन फक्तन, तो फीडबैक दिया करें, अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताया करें कि आपको रेसिपीज हमारी कैसी लग रही हैं। आज हम आपके लिए जो ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आए हैं वो है शनवारी स्टाइल में कीमा बनाना। ठीक है, आज हम शनवारी स्टाइल में कीमा बनाना आपको बताएंगे। और शनवारी जो खाने होते हैं ना, उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि उनमें बहुत ही कम मसाले होते हैं और जायका उनका ज़बरदस्त आता है कम मसालों के साथ। तो वही आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, कीमे की रेसिपी शनवारी स्टाइल में। तो चलें बनाना शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले अपनी स्पेशल लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें हाफ कप मैंने डाला है ऑयल का, एक दालचीनी की स्टिक डाली है, 3-4 लौंग डाले हैं, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और एक बड़ा चम्मच जो है वो जीरे का डाला है। जीरे को कड़कड़ाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है कीमा, जो कि मशीन का बना हुआ है और ये बीफ का कीमा है। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे और इसमें डाल देंगे प्याज। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, आँच इस वक्त हमारी तेज़ है, इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डाल देंगे और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही शामिल कर देंगे। इनको हल्का सा भून लेंगे, जब थोड़ा सा भुन जाए 5-7 मिनट तकरीबन इसको हो गया भुनते हुए। इसमें मैंने ज़्यादा से टमाटर, ये टमाटर तकरीबन 700 ग्राम टमाटर है, ठीक है, इनको बारीक बारीक काट के डाल दिया है और इसको अब मैंने ढक के 10 से 15 मिनट पकाया है और उसको दरमियान में 1-2 दफ़ा चम्मच भी चलाया है। इसको अच्छी तरह से हमने इसका पानी खुशक कर लेना है, टमाटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पानी खुशक हो जाए, तो फिर ये मसाले इसमें डालेंगे। सिर्फ 3 मसाले इसमें शामिल किए हैं, जिसमें नमक है, सुरख मिर्च है और धनिया पाउडर है। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं तकरीबन 1-1 चम्मच इसमें मैंने डाली हैं और कीमा भी हमारा 1 ही किलो था। इसको मिर्च मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैंने 1 ग्लास जो है वो पानी का शामिल किया है और इसको ढक के पकाया है 10 से 15 मिनट, बीच में 1 दफ़ा चम्मच भी चलाया है। और ये देखें, 15 मिनट के बाद ये हमारा जो कीमा है इसका पानी खुश्क हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। मज़ेदार सा कीमा भुन के हमारा तैयार हो गया है। इसमें आप जूलियन कट अदरक डालें और डालें इसमें धनिया गार्निश के लिए। ये देखें जी, हमारा शनवारी स्टाइल में मज़ेदार कीमा रेडी है जी। तो कैसी लगी आपको हमारी शनवारी कीमा कढ़ाई? मज़े की लगी है ना, देखने में मज़े की लगी है, बनाने में भी बहुत मज़े की लगेगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।